भरतपुर जिले के नदवई थाना क्षेत्र के गांव भोसिंगा निवासी संजय के खिलाफ जयपुर के करणी विहार थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। शनिवार को जयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि पॉक्सो का फरार आरोपी संजय अपने गांव में छुपा हुआ है, जिसके बाद करणी विहार थाना पुलिस नदवई पहुंची। स्थानीय पुलिस जाब्ता को साथ लेकर आरोपी को पकड़ने के लिए गांव में दबिश दी गई। हालांकि दबिश के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिसकर्मी ने जब आरोपी को पकड़ा तो उसने पुलिसकर्मी के पेट में चाकू से हमला कर दिया और भाग गया। थाना करणी विहार जयपुर से एक पॉक्सो एक्ट के मुलजिम की तलाश में वहाँ से एक टीम आई हुई थी, जो थाना नदवी से उनकी इमदाद में कुछ जाब्ता भेजा था और मुलजिम की लोकेशन के आधार पर वो नौठा गांव में पहुँचे। नौठा में उन्होंने मुलजिम को लोकेट कर लिया। जब मुलजिम भागने लगा, उसको पकड़ने की कोशिश की तो अपने एक हरगोपाल सिंह कांस्टेबल के उसने चाकू मार दिया और उसका सोलन के हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है और मुलजिमों की तलाश है। सर क्या है कांस्टेबल? स्टेबल है, जैसे डॉक्टर से बात हुई है अभी स्टेबल है और ऑपरेशन थिएटर में ले। सर ये जो आरोपी है वो किस जुर्म में मतलब पुलिस गई थी, क्या है उस पर आरोप? किसी नाबालिग के साथ बलात्कार का मैटर है, जिसमें उसकी तलाश के लिए आई थी जयपुर से टीम, उनको इमदाद दी थी। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ भरतपुर से संवाददाता सतपाल जुड़ चुके हैं। सतपाल, आपसे जानना चाहेंगे एक आरोपी जो पॉक्सो एक्ट के तहत जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जयपुर में, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था और जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया, क्या कुछ पूरी ये पूरा मामला है और जानकारी आपसे चाहेंगे सतपाल। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम को जयपुर से पुलिस आई थी एक आरोपी को पकड़ने नदवई के भतीजा गांव का निवासी संजय, जिसे पॉक्सो के तहत मामला दर्ज था और जैसे ही उनको पता पड़ा कि वो जो आरोपी है वो गांव भोसिंगा में है, तो पुलिस वहां से जयपुर से आई और नदवई थाना क्षेत्र में थाने अधिकारी से संपर्क कर और साथ में स्टाफ लेकर उनको और भोसिंगा गांव में आरोपी को पकड़ने गए। पुलिस ने जैसी तब्दील से आरोपी को पकड़ लिया गया था और जो नदवई थाना क्षेत्र का नदवई थाने का जो कॉन्स्टेबल था उसने उसको पकड़ रखा था, तो उसने क्या किया, चाकू से उसके पेट में हमला कर दिया और हाथ छुआकर वो भाग गया। अब पुलिस जैसी सूचना मिली एसपी और आईजी मौके पर पहुंची और उन्होंने टीम गठित कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है। अभी आरोपी फरार है, कहीं पकड़ में नहीं आया है और पुलिस कांस्टेबल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी सतपाल, कब से पुलिस उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और उसी के साथ ही मामला कितना पुराना है वही जानना चाहेंगे कि घायल जो पुलिसकर्मी है उनकी अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जयपुर में थाने में मामला दर्ज था इसका और जैसी पुलिस को काफी दिन से तलाश रही थी फरार था और जैसे पुलिस को पता पड़ा यहाँ पे आया तो इसको पुलिस इसको पकड़ने के लिए आई थी और जैसी पुलिस ने जो नगरी का कौंसिल था उसने इसको पकड़ रखा था और जयपुर की पुलिस को हवाले कर सब पुलिस जाप्ता भी साथ था। जैसे ही वो इसको पकड़ा तो इसने पुलिस कांस्टेबल चाकू से हमला कर दिया, उसके पेट में चाकू मारा तो पुलिस के हत्थे से छूट गया, भाग गया। अब पुलिस का कर्मी का इलाज जारी है और आईजी अभी वहीं कैंप किए हुए हैं और टीम गठित कर और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी जी, चलिए सतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।